दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp की 6 ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके WhatsApp यूज़र एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना देंगी। सो अगर आप WhatsApp के रेगुलर यूज़र हैं तो ये सभी ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली हैं और इन सभी ट्रिक्स का यूज़ करके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। तो कौन सी है दोस्तों WhatsApp की ये 6 सीक्रेट ट्रिक्स, चलिए अब इस वीडियो में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे अगर हम इस तरह से कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट शो नहीं होती है। इस तरह से हम किसी ग्रुप या फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन को ही मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में नहीं। तो अगर आप इस तरह से किसी भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से फोटो वीडियो या फिर मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करना है। इसके बाद टॉप साइड में कुछ ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आपको शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपके सामने अलग अलग शेयरिंग के ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप को सिलेक्ट करना है और इस तरह से आपके सामने ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से ब्रॉडकास्ट लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप किसी बड़े व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं और ऐसे में अगर आपको उस ग्रुप में फर्स्ट मैसेज को चेक करना हो तो इस तरह से आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना होगा, तभी जाकर आप ग्रुप में फर्स्ट मैसेज तक पहुंच पाएंगे और ऐसे में दोस्तों आपका काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो सकता है। इसलिए जो ट्रिक मैं आपको अब बताने वाला हूँ इसमें आप फटाफट से किसी भी बड़े ग्रुप के शुरुआती मैसेज पढ़ सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से ग्रुप ओपन करके टॉप राइट साइड में आपको ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आपको मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ और ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट चैट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आपको विदाउट मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से इस ग्रुप की सारी चैट एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में इस तरह से एक्सपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपके सामने इस तरह से इसे शेयर करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप को सिलेक्ट करना है और इस तरह से कोई भी कॉन्टैक्ट को आपको सिलेक्ट करके उसे सेंड कर देना है। आप चाहें तो अपने ही किसी अल्टरनेट नंबर पर इसे सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के बाद जैसे आप इस एक्सपोर्टेड फाइल को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से उस ग्रुप की पूरी चैट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इस तरह से इस ग्रुप के शुरुआती मैसेज से ही बाकी नीचे के मैसेज को देख सकते हैं। दोस्तों अक्सर आपके फ्रेंड आपको कोई फ़ोटो सेंड करते होंगे और उस फोटो में कोई कैप्शन भी ऐड करके ज़रूर भेजते होंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऐसे में आप इस फोटो पर भेजे गए मैसेज को इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कॉपी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करके कॉपी करने का ऑप्शन आ जाता है। इसलिए अगर आप किसी फोटो या इमेज में भेजे गए कैप्शन को कॉपी करना चाहते हैं तो इस तरह से आपको इस इमेज पर क्लिक करके इस तरह से ओपन करना है और फोटो पर एक टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे इस तरह से फोटो पर लिखा गया मैसेज आपको शो हो जाएगा। अब आपको इस मैसेज पर इस तरह से लॉन्ग प्रेस करना है, जिसके बाद ये मैसेज इस तरह से कॉपी हो जाएगा। अब आप इसे कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप WhatsApp पर इस तरह से अपने किसी भी फ्रेंड का स्टेटस देखते हैं तो आपके उस फ्रेंड ने जितनी भी फोटोज़ या फिर वीडियो क्लिप्स अपने स्टेटस में लगाई होंगी वो एक एक करके प्ले होने लग जाती हैं। ऐसे में अगर आप किसी फोटो को देर तक रोक के देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप उतनी देर तक उस फोटो पर अपनी फिंगर को टच करके रखते होंगे और जैसे आप अपनी फिंगर को हटाते होंगे फ़ोटो वापस स्लाइड होना स्टार्ट हो जाती होंगी। ऐसे में अगर आप बिना टच करे किसी भी फोटो को स्टॉप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको अपनी 3 उंगलियों से एक साथ फ़ोटो पर टच करना है, जिसके बाद स्लाइडिंग रुक जाएगी और आप देर तक फोटो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर ये ट्रिक काम ना करे तो आप यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद म्यूट का ऑप्शन आएगा और फोटो स्लाइडिंग होना बंद हो जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने किसी भी फ्रेंड के स्टेटस की फ़ोटो को रोक कर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप WhatsApp पर चेक करना चाहते हैं कि आपके कौन से फ्रेंड ने आपको कौन कौन सी मीडिया फाइल्स भेजी हैं, कौन कौन सी इमेजेस भेजी हैं, कौन कौन से वीडियोस भेजे हैं या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल भेजे हैं या फिर कौन कौन से एक्सटर्नल लिंक भेजे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली देख सकते हो। इसके लिए आपको इस तरह से अपने किसी भी फ्रेंड की चैट ओपन करनी है और टॉप राइट साइड में 3 डॉट पर क्लिक करना है। इसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर आपको मीडिया लिंक्स एंड डॉक्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपने इस फ्रेंड की भेजी गई ऑल मीडिया डॉक्यूमेंट फाइल्स और लिंक्स को देख सकते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपके किसी फ्रेंड ने आपका नंबर अपने व्हाट्सएप पर सेव किया है या नहीं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको
टॉप राइट साइड पे 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर आपको न्यू ब्रॉडकास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपने उस फ्रेंड को सिलेक्ट करना है और इसके बाद इस तरह से किसी दूसरे फ्रेंड को भी आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपको राइट के आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब आप इस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में इस तरह से कोई मैसेज लिखकर सेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इस फ्रेंड ने आपका नंबर सेव किया है या नहीं। मैसेज भेजने के बाद इस तरह से आपको अपने मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करना है और टॉप राइट साइड में आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करके इन्फो ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से आपको अपने मैसेज का स्टेटस पता चल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही फ्रेंड शो कर रहे हैं और जो दूसरा फ्रेंड है उसका कोई भी रिएक्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ टाइम निकलने के बाद चेक करेंगे तो आपको इस तरह से स्टेटस होगा, जिसका साफ मतलब है कि आपके दूसरे फ्रेंड ने आपके नंबर को सेव नहीं किया है। तो इस तरह से दोस्तों आप WhatsApp पर इन सभी ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने WhatsApp एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।